चिट्ठी आई है कुछ शायद ही कोई भूल पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक नई वीडियो में। फिल्म नाम 1986 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। महेश भट्ट द्वारा निर्देशित और कुमार गौरव द्वारा निर्मित इस फिल्म में गौरव नूतन, संजय दत्त, कुमार गौरव, पूनम ढिल्लो, अमृता सिंह और परेश रावल मुख्य कलाकार हैं। इस फिल्म को महेश भट्ट, परेश रावल और संजय दत्त के करियर में एक मील पत्थर माना जाता है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नाम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके संगीत विशेषकर गीत चिट्ठी आई है के लिए भी जाना जाता है। जानकी कपूर उर्फ नूतन और उसके दो बेटे रवि उर्फ कुमार गौरव और विकी उर्फ संजय दत्त गरीब हैं और अपनी जरूरतें पूरी करने में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रवि एक जिम्मेदार बेटा है जो अपने भाई और अपनी माँ दोनों के लिए ईमानदारी से पैसे कमाता है। सीमा उर्फ पूनम ढिल्लो उसकी खुददारी और उसूलों से प्रभावित है और उसे पसंद करती है। वहीं विकी आवारा किस्म का व्यक्ति है जो जल्दी पैसे कमाने के लिए जुआ जैसे गैर कानूनी काम करता है। विकी को दुबई जाकर काम करना है क्योंकि उसने कई लोगों से सुना है कि वहां उन्होंने सफल जिंदगी स्थापित की है। रवि पैसे इकट्ठे करके उसे दुबई भेजने का बंदोबस्त करता है। वहां विकी को पता चलता है कि उसके कागजात नकली हैं और उसे नशीली दवाइयों की तस्करी कराकर वहां भेजा गया है। इसके बाद विकी के पास कोई और रास्ता ना दिखाई देने पर वह राणा उर्फ परेश रावल के लिए तस्करी का काम शुरू कर देता है जिसमें उसका साथ अनिच्छिक रूप से रीटा उर्फ अमृता सिंह भी देती है। वहीं उसके भाई और माँ के पास कोई सूचना न आने पर वह लोग चिंतित होने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि विकी हांगकांग पहुंच चुका है। रवि पुलिस से बचाकर विकी को देश के बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन अंत में वह पुलिस द्वारा गोलीबारी में मारा जाता है। भारत में रीटा विकी के बच्चे को जन्म देती है लेकिन खुद मर जाती है। अंत में सीमा रवि और उसकी माँ विकी के बच्चे के साथ मंदिर में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट करके बताइए 1986 में बनी हिंदी फिल्म नाम आपको कैसी लगी और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन।